देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाए हैं दो तरह के मीठे अचार। ये देखिए, आजकल आम का सीजन है, अचार का कच्चे आम बहुत अच्छे आ रहे हैं इस समय। ये मैंने चटनी दो तरह का मीठा अचार बनाया है, ये देखिए। तो देखते हैं अब हम इनको हमने कैसे बनाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आम के मीठे अचार। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? इस समय कोविड बुरी तरह से फैल रहा है, तो अपने घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। ज़रूरत पड़ने पे ही निकलिए, वैसे कोई इसी तरह से भी ना निकलें वो हम सब के लिए अच्छा है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए और मास्क लगा के तो रहना ही चाहिए। और गर्मी है तो गर्मी में लू भी लग जाती है, और आम का सीज़न है, इस समय अचार भी डाले जाते हैं। अच्छे आम आने लगे हैं, देखिए ये हरे कच्चे आम की केरी है। ये मैंने अच्छे से आम को 2-3 घंटे ये पानी में भिगोया और फिर इनको अच्छे से धो के पोंछ के सुखा लिया। अब हम इससे बनाएंगे मीठा अचार। मीठा अचार हम जो बनाते हैं वो हम कद्दूकस करके बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैं कद्दूकस करके नहीं बनाती आम का अचार मीठा। मैं अचार को हमेशा इस तरह से स्लाइसेस उतार लेती हूँ, इस तरह से। कद्दूकस करने से क्या होता है कि आम के जूस निकल जाता है और वो ठीक से गला गला हो जाता है। लेकिन ये इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से अचार डालेंगे तो आपका अचार पूरे साल तक ऐसे के ऐसे एक एक पीस अलग नज़र आएगा, गलेगा बिल्कुल नहीं, और खाने में भी और देखने में भी दोनों तरह से ही बहुत अच्छा होगा। इस तरह से मैं आम की इस तरह से स्लाइस काट लेती हूँ। ये आम की मीठी चटनी खाने में और देखने में बहुत सुंदर लगती है, और पूरे साल तक आपकी ऐसी की ऐसी, जैसे ये इस समय खिले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहती है। मैं इसी तरह से सारे आमों को काट लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मीठे आम के अचार की रेसिपी मेरी एक बिटिया ने मांगी थी, वो बहुत 2 साल पहले हम केदारनाथ गए थे, तब हम लोग वहाँ मिले थे, उसकी ही डिमांड पे मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं ये पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए, इस तरह से सारी स्लाइसेस निकाल लूँगी, और जो ये साइड का है इसको भी मैं ऐसे निकाल लूँगी, और इससे भी हम मीठा ही अचार बनाएंगे, दोनों अलग अलग तरह का बनाएंगे। मैं आप सारे आम काट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, गोला काट के डाल सकते हैं, सूखा गोला जो होता है, जो हम टीके में इस्तेमाल करते हैं, टीका करते हैं उसमें देते हैं, उस तरह का गोला, किशमिश, छुआरे, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, उनमें खटास भर जाती है, खटास मीठे तो होते ही हैं ड्राई फ्रूट्स। और इस तरह से मैं ये सारे मैंने काट लिए हैं, बस यही बचा है। इसमें आप अदरक भी काट के डाल सकते हैं। मेरा इस समय ये अचार, मैंने पिछली बार भी बहुत थोड़ा सा डाला था इसलिए ख़त्म हो गया, वरना मैं आपको दिखाती कि पूरा साल हो गया है मेरा अचार ऐसे कैसे रखा है, बिल्कुल भी गलता नहीं है, एक एक पीस ऐसे ही खिल जाता है। और ये देखिए छुआरे हैं, इनको मैं थोड़ा भिगो के काट लूँगी, ये मैंने सुखा लिए थे पीसने के लिए, देखिए। और रस में डूबेंगे ये गल जाएंगे बिल्कुल। इसी तरह से आप गोले के पीसेस काट के डाल सकते हैं, मेरे यहाँ कम पसंद करते हैं इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। ये देखिए, अब मैंने ये सारे आम और ये जो साइड के बचे हैं, इससे भी हम मीठा अचार ही बनाएंगे अलग तरह का। इसके आप चाहें तो इस तरह से लंबे पीसेस काट लीजिए,
छोटे काटना चाहें छोटे काट लीजिए, जैसे हींग के अचार के लिए हम छोटे छोटे पीसेस करते हैं इस तरह से भी काट सकते हैं। और आप ये देखिए, ये मेरे बड़े बड़े स्लाइस हैं, इनको मैं छोटा छोटा कर लूँगी। इसको हम अलग ढंग से डालेंगे, ये भी मीठा अचार ही डालेंगे। मैं एक साथ ही आपको दो तरह के अचार बता रही हूँ। और आप इसमें चीनी डालना चाहें चीनी डालें, गुड़ डालना चाहें गुड़ डालें। मैं तो अक्सर चीनी से ही बनाती हूँ ये मीठा अचार, आपको जो भी पसंद हो आप वो डालें। गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ भी बड़े आराम से घुल जाता है, बस थोड़ा सा कलर का फ़र्क आ जाता है, गुड़ का थोड़ा सा कालेपन पे आता है। और ये आपका, अगर आप हल्दी डालते हैं तो येलो शेड रहता है, और अगर आप हल्दी नहीं डालते तो जो आप मसाले गरम मसाले का डालते हैं तो थोड़ा कालापन आता है, और लाल मिर्च डाल के डालते हैं तो थोड़ा सा ललामी आ जाती है उसमें। अब मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी। इस वाले अचार में मैं गुड़ डालूंगी। अचार में बहुत थोड़ा सा इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे घर में खाने वाले अचार कम लोग हैं, खाते नहीं हैं अचार ज़्यादा, इसलिए ये मीठी चटनी पसंद करते हैं तो वो मैं डालूँगी। जब हम नमक मिला के रखेंगे तो ये गुड़ उसमें घुल जाएगा अच्छे से। एक बात जो सबसे ज़रूरी मैं आपको बताना भूल गई, हम अचार जो डालते हैं हमेशा देसी आमी का डालते हैं जो खट्टी होती हैं, लेकिन जो ये मीठा अचार डालते हैं वो हम खट्टी मीठी आमी जो आती हैं आम जो आते हैं कोई भी आम आते हैं जो थोड़े मीठे होते हैं खट्टे नहीं होते उनका डालते हैं, जिससे कि इसमें चीनी गुड़ जो भी हम डालें वो कम डलता है। अब मेरे ये 250 ग्राम आम थे, उसमें से मैंने थोड़ा सा ये भी निकाल लिया है, तो मैं इसमें नमक मिलाऊंगी। ये बहुत थोड़ा सा अचार है इसलिए मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ ये वाला, और ये मेरे थोड़े ज़्यादा हैं, 250 ग्राम के हिसाब से ही मैं इसमें चीनी डालूंगी। इसमें मैंने गुड़ डाला है, 100 ग्राम गुड़ डाला है मैंने। ये अचार आप देख रहे हैं, मैंने 4 आम काटे थे, उसमें साइडों में जो बचा केवल वही डाला है, और ये जो बारीक पकाटा है ये पूरे आम में से निकाल के डाला मैंने। और ये मैं डालूंगी इसमें 250 ग्राम चीनी, मेरे एक कप 250 ग्राम का है, इसमें मैं 250 ग्राम चीनी डाल दूँगी। और अब हम इसको, मैं अचार में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट जिसे सेंधा नमक बोलते हैं वो भी ज़रूर डालना चाहिए अचार में, मैं थोड़ा सा वो भी डालूंगी। और इसको मैं इस तरह से मिला के रखने से नमक और चीनी और आम जब मिलते हैं तो वो पानी छोड़ देते हैं, रस निकलता है उसमें से, वो हम इसमें इससे हमारा अचार गल जाता है। आप चाहें तो इस अचार को तुरंत खाने के लिए चीनी मिलाएं, नमक चीनी मिलाएं और भगोने में डाल के पका लें, और अच्छा गाढ़ा होने तक पकाएं इसको। आपका अचार ठंडा हो और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसमें चाहें तो मसाला डालें, ना चाहें तो ना डालें, लेकिन मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, मैं इसमें डालती हूँ गरम मसाला। गरम मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये देखिए। और ये मेरे जार हैं, मैंने इनको अच्छे से धो के स्टेरिलाइज किया हुआ है और पोंछ लिया है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। मैं इसमें ये भर दूँगी, मैं तो साथ ही जो भी मुझे इसमें मसाला डालना होता है, गरम मसाला या लाल मिर्च जो भी डालनी होती है, मैं साथ ही मिला देती हूँ। ये गरम मसाला है, मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला भी मिला दूँगी। मैं चटनी को पका के नहीं डालती हूँ, थोड़ा टाइम देती हूँ इसको, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए, बस ऐसे मसाला, नमक चीनी और लाल मिर्च डालना चाहें तो आप लाल मिर्च डालें, मैंने इसमें केवल गरम मसाला डाला है। और कई लोगों को पीला रंग पसंद होता है तो वो हल्दी डाल सकते हैं, अचार में हल्दी डाली जाती है। तो मैं इसको इस तरह से जार में भर दूंगी, बिल्कुल साफ जार है मेरा ये, धुले हुए स्टेरिलाइज किए हैं और अच्छे से सुखा लिए हैं धूप में रख के पोंछ के। इस अचार को हम बिल्कुल जैसे हम खट्टा अचार डालते हैं,
केवल फ़र्क उसमें इतना होगा कि हमने मीठा डाला है, गुड़ डाला है इसमें, इसमें मैं डालूँगी, मेरा बहुत थोड़ा सा है तो इसलिए मैं उसी हिसाब से मसाले डालूँगी। मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च डाली है और 2 टीस्पून भर के सौंफ, धनिया, 1/2 चम्मच मेथी, मेथी दाना, 1 चम्मच हल्दी और नमक और गुड़ मैंने इसमें डाल दिया। मैंने इस थोड़े से अचार में 100 ग्राम गुड़ डाला है, 1/2 चम्मच ये कलौंजी और इसमें मैं डालूँगी तेल। ये मैं तेल पका के रखती हूँ, मैं वो तेल डाल रही हूँ, पका के ठंडा कर लिया है और उस तेल को मैं डाल रही हूँ। तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, मैं केवल टेस्ट के लिए तेल डाल रही हूँ इसमें। और इसको भी हम इस तरह से मिला देंगे। इतने मेरे मसाले मिल रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि आपके अन्य मित्रगण और परिवार के सदस्य भी हमारे साथ जुड़ सकें और हमारा परिवार बढ़िया हो सके। देखिए, बातों बातों में हमारा मसाला मिल गया। ये गुड़ जो डाला हमने, ये धीरे धीरे गलता जाएगा आम के रस से, और इसको भी मैं इस तरह से जार में भर दूंगी। अचार के मसाले की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और जब मैं आम का खट्टा अचार डालूंगी मैं आपके साथ फिर दोबारा से शेयर करूंगी इस रेसिपी को। और मैं ये सारा, अब इसको आप अच्छे से धूप दिखाइए, आपके घर में धूप आती है तो धूप में रखिए इसको। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो धूप में भी नहीं रखती हूँ, यहीं किचन में अपने शेल्फ में रख देती हूँ, खुले शेल्फ हैं मेरे सारे अचार, ऐसे ही रखे रहते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें हमें गुड़ को गलाना है, जो नमक के साथ मिलने से जल्दी गल जाएगा, और इस ये चीनी है, ये देखिए, ये दो तरह से मैंने मीठे अचार डाले, ये कि बारीक बारीक पीसेस काट के, ये देखिए इस तरह से चीनी डाल के डाला, और ये जैसे हम मीठ खट्टा अचार डालते हैं वैसे ही मसाले मिलाए हैं इसमें, केवल इसमें हमने मीठा डाला है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और आप किस तरह से और किस तरह से मीठा अचार डालते हैं ये भी मेरे साथ शेयर करें, जिससे कि मैं अभी वैसे डाल सकूं। थैंक यू। ये देखिए जो हमने चीनी से डाला, ये देखिए कितनी जल्दी इसने रस छोड़ दिया है, और ये धीरे धीरे, अगर आप इसको पकाना चाहें तो इसको तुरंत पका के इस्तेमाल कर लें, और अगर आप इसे धूप में रख के, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, 10-15 दिन में ये खाने लायक होता है, इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से करें। देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगी जब ये अचार तैयार होगा कि हमारा अचार कितना अच्छा तैयार हुआ है। और ये देखिए, ये गुड़ है, ये गुड़ मैंने थोड़ा मोटा मोटा डाल दिया है, इस वजह से इसे ज़रा गलने में टाइम लगेगा, वरना ये भी तुरंत गल जाता अगर मैं बारीक बारीक काट के डालती। अब मैं इन्हें रख देती हूँ धूप में और जब तैयार होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे दोनों अचार मीठे खाने के लिए तैयार हैं। ये हमने गुड़ में डाला खट्टा मीठा, जैसे हम मसालेदार अचार डालते हैं, इसमें हमने तेल सब मसाले डाले हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और ये जो आम की चटनी, ये मैंने कम मसाले की डाली है, अगर आपको तेज़ मसाला पसंद है तो तेज़ मसाला डालिए। और हमारे खाने अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारे अचार तैयार हुए हैं। और चटनी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो हमेशा आपकी ये ऐसे खिली खिली रहेंगे। देखिए एक एक पीस अलग हो जाता है, और जो कद्दूकस करके बनाते हैं वो खिली खिली नहीं रहती है। इस तरह से बनाएंगे, हल्की सी मेहनत तो है थोड़ी सी, लेकिन बनेगी बहुत अच्छी, और हमेशा साल भर तक जब तक आपकी रहेगी ऐसे एक एक दाना खिला रहेगा। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।